सामने में फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है स्पेशल दही चिकन, जिसके लिए हमें चाहिए 1 घंटी हरा धनिया पुदीना, 10 से 15 अदद लहसुन के जवे और अदरक, एक छोटी कटी हुई प्याज, एक छोटी कटी हुई 2 टमाटर के अदद कटे हुए। इसके अलावा हमें चाहिए चिकन 2 केजी, और स्पेशल दही चिकन बनाए तो 2 प्याली, यानी मतलब 1.5 पाव तक हमें दही चाहिए, 2 प्याली दही थी। इसके अलावा मैरिनेशन में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल 2 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया, 1 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है काली मिर्च, 2 टीस्पून मैंने दी है नमक और 1 नींबू। ये सब चीज़ें मैरिनेशन में हम शामिल कर देंगे। पहले दही शामिल की है, ये दही शामिल करने के बाद इसे मैरिनेट करेंगे। अब ये सारे स्पाइसेस के अंदर चले जाएंगे, जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे ये शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फोक की मदद से कर रही थी मगर फोक से हुआ नहीं था तो मैंने स्टॉप करके वीडियो है उसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स किया था। लेमन भी ऐड किया है मैंने एक इसके अंदर। अब इसको जो है इसके अंदर अच्छी तरह शामिल कर देंगे। फोक की मदद से कर रही थी, नहीं हुआ था तो अब हाथ की मदद से किया था। अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरे गोश्त पर लग जाए। अच्छा, अब ये जो हरा धनिया पुदीना पूरा इकट्ठी ली थी और लहसुन अदरक जो लिया था इसे ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह इसकी चटनी बना लेंगे, पीस लेंगे, मोटा मोटा पीस लेंगे। आधा गिलास पानी में शामिल कर दिया था मैंने, ये देखें आधा गिलास पानी शामिल कर दिया था। अब इसे ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड कर लेंगे और साथ ही पतीली में जो है तेल गरम कर लेंगे। तेल गर्म करने के बाद इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे, ज़ीरा थोड़ा सा, 1-2 काली मिर्च, 3-4 काली मिर्चें, 2-3 लौंग हैं। फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे, वो शामिल कर देंगे, उसे अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, जो 2 टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे बारीक बारीक, इसको अब अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद हम जो है इसके अंदर ये जो मैंने ग्रीन चटनी प्रिपेयर की थी, हरा धनिया पुदीना लहसुन अदरक की, वो डाल देंगे। वो डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे इसको अच्छी तरह। ये देखिए भून लिया था। भूनने के बाद अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है, तकरीबन से 10-12 मिनट हो चुके थे मैरिनेट हुए हुए, अब ये डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मसाले के अंदर और फिर इसको जो है ढककर रख देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे जब तक ये इसका पानी, चिकन का पानी, दही का पानी खुश्क ना हो जाए जैसे। और बार बार इसको देखते रहिएगा ढकने के बाद, मतलब आप 5-5 मिनट बाद चेक करते रहिएगा कि लग ना जाए, हिलाते रहिएगा। अब देखें तकरीबन खुश्क होने वाला था पानी। अब इसको जो है अच्छी तरह मैंने भून लिया। भूनने के बाद जब तक घी अलग ना हो जाए इसको देखते रहिएगा। फिर मैंने डिश आउट कर लिया। अब ये देखिए डिश आउट करने के बाद मैंने हरा धनिया से गार्निश कर लिया था। ये दही चिकन हमारे पास तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही डिलीशियस ग्रेवी भी थी इसकी, मतलब इसके साथ मसाला भी था और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था। आप भी ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।